आज के इस वीडियो में बताएंगे कि आधार करेक्शन आप ऑनलाइन किस तरह कर सकते हैं, आधार कार्ड किस तरह करेक्शन कर पाएंगे, आधार कार्ड को सुधार कर सकते हैं आप ऑनलाइन बिना आधार सेंटर जाए, जिसमें आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और साथ साथ लोकल लैंग्वेज भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब कि अगर पहले आप किसी दूसरे स्टेट में रह रहे थे, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप पहले पंजाब में रह रहे थे और वहीं पर आपने आधार इनरोलमेंट करवाया था, तो वहाँ पे जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज वो पंजाबी है, लेकिन आपका मूल निवासी जो वो बिहार है, तो आप चाहते हैं कि बिहार की लैंग्वेज हिंदी में ये आधार कार्ड कन्वर्ट हो जाए, वो भी आप लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सारा चीज़ आप ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं बिना किसी भी आधार सेंटर जाए, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में। जानेंगे आज के इस वीडियो में कैसे कर पाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, UIDAI की इस वेबसाइट पर, जहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं, आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल है, यहाँ से आएंगे, यहाँ से आप नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस एंड लैंग्वेज ऑनलाइन आप करेक्शन कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपना एड्रेस भी करेक्शन कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट है तो, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप इस ऑप्शन से करेक्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ एड्रेस करेक्शन करने का मैं वीडियो पहले ही आपको दे चुका हूँ, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको ये सब डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में और प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप ये सब डॉक्यूमेंट यूज कर सकते जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते वो यहाँ देखेंगे, और यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप यूज कर सकते वो आप यहाँ पे, यानी कि फादर हस्बैंड का नाम अगर चेंज कर रहे हैं तो उसमें आप कौन कौन सी डॉक्यूमेंट यूज कर सकते वो लिस्ट सारी चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए किसी भी तरह का करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोसीड टू अपडेट आधार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर देंगे जिसका भी आप करेक्शन करना चाहते, कैप्चर आपको अगर यहाँ पर नहीं शो करेगा तो रिप्लेस बटन पर क्लिक करेंगे, कैप्चर शो कर जाएगा, कैप्चर यहाँ पर इंटर करेंगे, कैप्चर इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी भेज दिया गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे। याद रखिए जब भी आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक रहेगा तभी ये आप ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो आधार कार्ड के द्वारा ओटीपी आया उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे, ओटीपी देंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे, अपडेट डेमोग्राफिक डाटा और अपडेट आधार, अपडेट एड्रेस व्यू सिक्योरेट कोड, ठीक है। तो एड्रेस अपडेट करने के लिए ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, मुझे अपडेट एड्रेस नहीं करना है बल्कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह अपडेट करने के लिए अपडेट डेमोग्राफिक डाटा पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या आप करेक्शन कर सकते हो वो लैंग्वेज यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, जो भी चेंज करेंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये जेंडर कितने बार आप चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार सेलेक्ट चेंज कर सकते हैं, नेम आप 3 बार कम से कम चेंज कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और डेट ऑफ बर्थ 1 बार आप चेंज कर सकते हैं, जो भी चीज़ आप चेंज करना चाहिए उसको आप इस तरह सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं नेम करूँगा तो नेम को सेलेक्ट करूँगा, जिसको भी आपको करेक्शन करना है उसको इस तरह सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे पड़ोसी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कितने बार आप कौन कौन सी करेक्शन कर सकते हैं ये आपको मिलेगा, यहाँ पे एग्री करेंगे और पड़ोसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका आधार कार्ड के साथ जो भी नेम है वो आ जाएगा, और जो अंग्रेजी में हिंदी में जो पहले से वो आ जाएगा, जो न्यू नेम रखना चाहिए तो वो नेम यहाँ पे देंगे, जैसे ही अंग्रेजी में देंगे तो यहाँ पे हिंदी में कन्वर्ट कर देगा नाम। अगर आपका नाम हिंदी में गलत आ रहा है तो आपको गूगल इनपुट टूल पे जाना होगा, जिसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज पे क्लिक करेंगे, हिंदी को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जिस तरह व्हाट्सएप पे लिखते हैं उसी तरह आप यहाँ पे अंग्रेजी में लिखेंगे, ये हिंदी में आपको कन्वर्ट करके दे देगा, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसको हम हिंदी वाले बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका न्यू नेम अंग्रेजी में हिंदी में आ जाएगा। उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, नेम जो करेक्शन करें उसके रिलेटेड, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पे लिस्ट दे के जो आप यूज कर सकते हैं, तो चलिए यहाँ पासवर्ड, पैन कार्ड वगैरह, वोटर आई डी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करेंगे उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा, अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, जिसकी साइज़ 2 MB से कम होनी चाहिए, जो कि JPG, PNG, PDF में आप अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पैन कार्ड को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं पैन कार्ड आ चुका है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ रिमूव पर क्लिक करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। अगर आप एक से ज़्यादा चीज़ करेक्शन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दूसरा भी डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा। मैं सिर्फ नाम करेक्शन कर रहा हूँ, तो सिर्फ नाम के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे,
उसके बाद फिर भी क्लिक करेंगे, आपका न्यू नेम अंग्रेजी और हिंदी में शो कर जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट शो कर जाएगा। अगर इसको चेंज करना चाहते हैं यहाँ एडिट पे क्लिक करके आप इसे भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर करेंगे। कैप्चर इंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको ओटीपी देना जो भी आपको मिला है। ओटीपी देने के बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट करेंगे, टिक मार्कर लगाएंगे, उसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा 50 रुपये की, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। चलिए नेट बैंकिंग को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे बैंक को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेट बैंकिंग का यूजर आईडी पासवर्ड देंगे, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। आपके अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसके बाद ओटीपी यहाँ पे देंगे, जो आपके अकाउंट के साथ रजिस्टर उस पर ओटीपी गया है, उस ओटीपी को यहाँ पे इंटर करेंगे। ओटीपी देंगे, ओटीपी देने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेस हो जाता है। अब यहाँ पे 10 मिनट वेट करेंगे। अगर आप यहाँ पे आगे पीछे करेंगे, रिटर्न वगैरह जाएंगे, तो ये पेमेंट आपका फंस सकता है। तो 10 सेकंड यहाँ पे वेट करेंगे, ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देगा। जो आप देख पा रहे हैं ये मेरा रिडायरेक्ट कर दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिडायरेक्ट हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं यूआरएन नंबर भी दे दिया गया, वॉइस नंबर दे दिया गया, डेट टाइम दे दिया गया। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और ये रिसिप्ट आप कस्टमर को भी दे सकते हैं जिसका आप करेक्शन किया है, खुद का किए। तो चलिए रिसिप्ट भी आपको दिखा देते किस तरह का रिसिप्ट आपको मिलने वाला है। उसके बाद ये रिसिप्ट है जिसमें आपका आधार नंबर, यूआरएन नंबर, वॉइस नंबर, पेमेंट डेट, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे न्यू नेम, पहले क्या नाम था आपके आधार कार्ड में और न्यू नेम क्या है वो आपको मिल जाएगा। ये रिसीप्ट आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं, जिसका क्या करेक्शन किया वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सिर्फ नेम ही करेक्शन क्या था।